It's a proud moment for Nitesh Patel and his family in Varanasi. After all, Nitesh has topped in high school with 94% marks despite facing several hardships. And to top it all, Prime Minister Narendra Modi patted his back, if not literally, at least on Twitter. Patel, a student from Jaipur, now wants to study more to become an IAS officer and serve the country. Nitesh, कितना परसेंट आया है, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहोगे? हमारा जिले हमने जिले में 94.16% लाकर टॉप किया है। इस अपनी सफलता पर हमें बहुत खुशी है, परंतु हम आगे से और पढ़ाई करके और आगे जाना चाहेंगे। क्या बनना चाहते हो जिंदगी? हम IAS अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। एक चीज़ है नितेश, प्रधानमंत्री ने आपके इस बातों को जो है, ये जो है चीज़ें हैं उनको बड़ा संज्ञान लिया है, बड़ा अच्छा कहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हम प्रधानमंत्री जी को पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी दूर रहते हुए भी हमारे गांव की बातों को, हमने जो टॉप किया है उसको संज्ञान में लिया है, और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे ताकि हमें आगे अपने बढ़ने के लिए कुछ सहायता मिलती रहे। नितेश प्राउड पेरेंट्स आल्सो थैंक द प्राइम मिनिस्टर फॉर एनकरेजिंग देयर चाइल्ड। बच्चा हमारा जिला टॉप आया है तो हमको खुशी तो बहुत है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने इस पे ट्वीट किया है, इसकी बहुत संज्ञान में लिया है इस पर आपकी खुशी? अब प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लिया है हमारे बच्चे को तो पहले हम उनको धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन बच्चे के मन में जो है उनके बातों से, उनके प्रवचनों से बच्चों पर इतना असर पड़ रहा है कि जब गाँव में आए थे तभी जब वो बुजुर्गों से लेकर और अपने पुराने नए ख्यालों को गांव में जोड़ने वाली जो बात बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कहे थे, उसका सबसे ज़्यादा गांव के बच्चों पर असर पड़ा है। ये जो कामयाबी इसको मिली है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले हम उसकी मेहनत को देंगे। मैं पहले प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास नंबर से पास हुआ है। The village Jayapur in Varanasi has been adopted by Prime Minister Narendra Modi. Correspondent Girish Dubey from Varanasi for ANI.